मैं आपको अब वृद्धि संधि पढ़ा रहा हूँ। ये वृद्धि संधि का पहला सूत्र है वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच। इसका क्रमांक है एक एक एक। अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादेच का होता है आदेच वृद्धि संज्ञ स्यात्। आदेच वृद्धि संज्ञ स्यात् अर्थात आ ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञा कहलाते हैं। वृद्धि संज्ञा का दूसरा सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। इसका क्रमांक है 6185। इसकी वृत्ति होती है मतलब संस्कृत में इसका अर्थ होता है आदेची परे आदेची परे वृद्धि रेखा देश से वृद्धि रेखा देश स्यात् अर्थात आस ऐसे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण परे हो, ऐसे यदि एच प्रत्याहार वर्ण परे हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है आदेची परे। आद मतलब जैसे रामाद होता है ना आद, ऐसे यदि एच प्रत्याहार का वर्ण परे हो, एच का होता है ए ओ ऐ ओ, एच का होता है ए ओ ऐ और ओ, इनमें से कोई एक परे हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। इस अब इसका उदाहरण लेते हैं अपन। इसका उदाहरण है कृष्णेकत्वम देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठम, ये तीन इसके उदाहरण हैं। तो पहला उदाहरण है इसका कृष्णेकत्वम, कृष्णेकत्वम है ना। तो पहले संधि विच्छेद करेंगे इसका, कृष्ण धन एकत्वम। तो यहाँ पर क्या हम क्या देख रहे हैं कि ऐसे एच प्रत्याहार का ए परे है ना, इसलिए पूर्व प्लस पर, पूर्व में तो है यहाँ अ और पर में है ए, इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो वृद्धि एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक शब्द कितने होते हैं, वर्ण तीन आ ऐ औ, इनमें से वही होगा जिनका उच्चारण स्थान ऐसे और ऐसे मिलता हो। तो इन तीनों में से वो वर्ण है ऐ, तो इसका उच्चारण इस कैसे, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, ऐ दे तो कंठ तालु है ना, और ये इन दोनों से मिलता है क्योंकि इसका तो कंठ है और इसका तालु है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा वृद्धि आदेश ऐ हो जाएगा। और क्या हुआ, कृष्ण ऐ और कत्वम बराबर कृष्णै कत्वम, ऐ कत्वम, ये इसकी सिद्धि होगी कृष्ण कत्वम है ना। और दूसरा इसका उदाहरण है देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इसका संधि विच्छेद करेंगे, देव धन ऐश्वर्यम है ना, तो संधि विच्छेद कर दिया। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे एज प्रत्यारा कौन सा वर्ण विद्यमान है, बताइए ऐ,
यहाँ पर ऐसे एज प्रत्याहार का आई गुण विद्यमान है। तो दोनों के इस सूत्र के हिसाब से इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर एक वृद्धि आदेश मतलब इन तीनों की में से एक हो जाएगा, है ना। तो वही दोनों के साथ वृद्धि आदेश ऐ हो जाएगा, है ना, और देवैश्वर्यम बन जाएगा। देव ऐ और शौर्यम बराबर देवैश्वर्यम बन जाएगा, ठीक है। और इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे।